राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की अमेठी में सांसद न बनाएं, विधायक न बनाएं। राहुल गांधी को सीरियस लेने का मतलब है कि आपके पास फिर आप भी वेलिंग, वो जहाँ जाते हैं वहाँ की तूती बजाते हैं, वो अमेठी आएंगे तो बताएंगे वाई नाट के लोग बेवफा है। अमेठी की बेटी हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। राहुल गांधी जी में तो इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे प्रश्नों का जवाब दे दे। इतने पुरुषों के बीच में खड़ी हूँ, किसी में दम नहीं है कि हाथ लगा के दिखा दे। आपका क्या नाम है? प्रार्थना सिंह। प्रार्थना सिंह, प्रार्थना सिंह जी, आप फर्स्ट युवा वोटर हैं या वोट दे चुके हैं पहले? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर होने के बाद किसको वोट करना चाहिए? ऑब्वियस है स्मृति ईरानी जी। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम उन्होंने किया है किसी ने नहीं किया, खुद महिला सांसद है, दूसरा केंद्रीय मंत्री है। अमेठी में आपको चौतरफा विकास, आप कहीं भी निकल जाइए, अपनी गाड़ी उठाइए, आपको हर जगह पक्की सड़कें मिलेंगी, हर जगह विकास हो रहा है, आपको यहाँ सैनिक स्कूल मिलेगा। मतलब इतना काम है कि अभी गिनाने लगूँ तो थक जाऊँ, इतना काम हुआ है तो और किसी के पास क्यों जाएंगे? लुटेरे को पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, जिन्हें ये तक नहीं पता कि प्रत्याशी कौन है, सो रहे हैं वो और अमेठी का परिवार बताते थे खुद को। पूरी जनता स्मृति जी के साथ है, यहाँ की भीड़ देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अमेठी में क्या होने वाला है 4 तारीख को। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं अमेठी को धोखा दिया है स्मृति ईरानी ने। धोखेबाज ही तो बताएंगे किसने धोखा दिया है। परिवार वाले धोखा नहीं देते, वो धोखेबाज होती तो आज इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ पे। धोखेबाज वो है कि खुद गायब है, नजर मिलाने काबिल तो बच्चे नहीं है। नहीं, गायब तो नहीं है, कह रहे हैं ना भाई कभी राहुल गांधी का नाम नजर आ रहे हैं। कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? कहाँ? अमेठी में एक को आप किसी से भी रैंडम पीपल उठा के पूछ लीजिए राहुल गांधी जी कब नजर आते हैं यहाँ। अभी नजर आएंगे अगर बाई चांस हिम्मत आ जाएगी उनकी कहीं से बाई चांस तो नजर आएंगे, अदरवाइज वो नजर भी नहीं आएंगे। चुनाव ना हो तो वो नजर भी ना आए। नहीं, कह रहे हैं उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो अमेठी से किसका नाम फाइनल करें। हाँ, तो हिम्मत नहीं है ना उनमें। सोचिए, उनका गढ़ रहा है रायबरेली और अमेठी, और यहाँ से वो अपने प्रत्याशी नहीं दे पा रहे, कितने जीरो आदमी होंगे वो प्रत्याशी नहीं दे पा। अच्छा, इधर आइए आप, इधर आइए आप इससे बातचीत करने, क्योंकि उधर धूप आ रही है। आप जैसी लड़कियों को क्या दिया इन 5 सालों में ईरानी ने? क्या नहीं दिया? सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा दी। आप अमेठी रेलवे स्टेशन देख लीजिए, गौरीगंज रेलवे स्टेशन देख लीजिए, जितने बस अड्डे हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए, जहां हम लोग बसेस पे या रेलवे स्टेशन पे निकलते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि ट्रेन का टाइम अगर 8 बजे है तो 7:30 पहुँच जाएँ, क्योंकि इतनी असुरक्षा रहती थी। यहाँ पे शासन प्रशासन इतना कड़ा है महिलाओं के लिए या किसी के लिए भी, तो सबसे पहली बात तो सुरक्षित है, दूसरा आने जाने के लिए इतने संसाधन है हमारे पास कि ऑब्वियस है स्मृति जी के पास जाएंगे, सांसद तो नहीं चुनेंगे। आप बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को सुरक्षा बहुत मिली है। जब 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करेगी वो? 70 साल से कुछ नहीं कर पाई, कुछ क्या किया अमेठी के लिए? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था। 15 साल में राहुल गांधी ने तो कुछ किया होगा। कुछ भी नहीं किया, वो गड्ढे वैसे ही तो ऐसे थे। 5 साल में दीदी ने बहुत कुछ किया था। 50 साल लूटे हैं अमेठी को, खूब लूटे, खूब खाए हैं, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है, यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ वो खेले ही हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया है और कुछ करेंगे भी नहीं। अब अमेठी की जनता उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। बैठ के यहाँ के लोगों को उनके कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मूर्ख बताते हैं, दिवालिया बताते हैं, भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूर्ख और दिवालिया बताने वाले को जनता वापस चुन के लाएगी। 4 तारीख को बिना थप्पड़ मारे तमाचा लगाएगी उनके मुँह पे। तो कहते हैं अमेठी के लोग बेवफा हैं, भाई नाट गए वहाँ बोले अमेठी के लोग वो जहाँ जाते हैं वहाँ की तूती बजाते हैं, वो अमेठी आएंगे तो बताएंगे भाई नाट के लोग बेवफा हैं। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, देखिए कितने ताकतवर नेता है, वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं आपके, अमेठी से भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? कहाँ आप कहाँ मिलते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नाम इस फाइनल नहीं हो पा रहे, भाई बहन समझ नहीं पा रहे कि स्मृति जी के खिलाफ किसे भेजें। इन 5 सालों में किया क्या आप लोगों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर? कोई कॉलेज बनवाया हो स्मृति ईरानी ने, कोई फैक्ट्री खुलवाई हो? क्यों नहीं बनवाए हैं आप? क्या देख के आए हैं? कॉलेज बनवाए, यहाँ सैनिक स्कूल बना है, जितने स्कूल हैं उनका फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है, मंदिरों में काम हो रहा है, गांव-गांव में महिलाओं को काम मिल रहा है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे स्मृति जी ने जितना काम किया है कोई और उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लीजिए, कहीं काम नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं यहाँ का परिवार है, खानदान है गांधी परिवार, वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता है, चप्पा चप्पा जानता है अमेठी का। स्मृति ईरानी तो बाहर की है। कहाँ बाहर की हैं? अगर स्मृति ईरानी बाहर की होती तो हम लोग स्मृति ईरानी के परिवार बन के आज इतनी धूप में उनके साथ नहीं होते। जिस दिन राहुल गांधी का नामांकन होगा, चैलेंज दे रही हूँ, आके देख लीजिएगा कि यहाँ कितना परिवार उनका खड़ा होता है। लुटेरों का कोई परिवार नहीं होता है। नहीं, नाम तो प्रियंका गांधी का भी सामने आ रहा है। वो भाई बहन समझते रहे कि किसे आना है, नाम ही आना है रायबरेली अमेठी गढ़ है उनका, VVIP क्षेत्र बताते हैं उसको, अपना परिवार बताते हैं, और चुनाव आके एकदम सर पे है और इन्होंने अभी तक अपनी सीट फाइनल नहीं की। कितने साल की है? मूर्खतापूर्ण काम है ये। कितने साल की है? ये नहीं पूछते। ये नहीं पूछते। क्या कर रही है, पढ़ाई में क्या कर रही है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट है,
फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपने सुरक्षा की तो बात की, अन्य ऐसे क्या मुद्दे हैं कि फर्स्ट टाइम वोट आप भाजपा को ही करना चाहते हैं, मोदी योगी को करना चाहते हैं? राम मंदिर, राम मंदिर से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक है आज के समय में। राम मंदिर बनाने की अगर किसी में हिम्मत थी तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरा कोई नहीं है। नहीं, ये कह रहे और स्मृति जी ने लगातार आचार संहिता लगने से पहले यहाँ से अमेठी के अपने परिवार जनों को, जिन्हें वो परिवार कहती, वो परिवार मानती भी हैं, 22 जनवरी का प्रसाद यहाँ घर घर पहुँचा है और उसके बाद बसेस से मुफ्त यात्रा करवाई है, जहाँ पे जलपान भी मुफ्त था, भोजन भी मुफ्त था। कौन करेगा ये? राहुल गांधी जी तो दर्शन करने भी नहीं गए, वो अपने आप को यहाँ का परिवार तो चाह रहे हैं ना, कह रहे हैं यहाँ आने से पहले दर्शन कर सकते हैं। डर है, डर खौफ है, उन्हें पता है कि जनता श्री राम जी के साथ है। अच्छा, आप लोगों को क्या लेना देना? आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, रोजगार का बात करें, पढ़ाई की बात करें, आप राम मंदिर की बात करें, क्यों नहीं लेना देना? हम स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा, आप ऐसे कैसे बात कर सकते कि राम मंदिर से लेना देना नहीं है? मेरे पूर्वजों ने जान दे दी और आप कह रहे कि राम मंदिर से हमारा लेना देना नहीं है? लेना देना है हमारा। और कितने लोगों ने अपकार सेवकों की कहानी तो कहने की जरूरत नहीं है, सबको ही जानता है। और आप कह रहे भावना का विषय नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे असल में उनकी ही भावना जुड़ी हुई है वहाँ से, तो इसलिए वोट तो नहीं जाएगा, वोट नहीं जाएगा बिल्कुल। कह रहे मोदी जी तो खुद पढ़े लिखे नहीं, आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे? राहुल गांधी जी कितना पढ़े लिखे हैं? बात बताते, विदेश से पढ़ के डिग्री दिखाएं। अमेठी की बेटी हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, अगर पढ़े लिखे हैं तो अपनी डिग्री लेकर आए और यहाँ जरा जनता को दिखाएं। राहुल गांधी जी में तो इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे प्रश्नों का जवाब दे दे। स्मृति ईरानी जी तो हमारी लीडर है, इतनी क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ। नहीं, वो तो पढ़े लिखे है ना, बाहर से आए हैं पढ़ के ना, अपनी पढ़ी लिखी क्षमता दिखाए ग्रेजुएशन स्टूडेंट के सामने। हमारे में से महिलाएं कुछ हो सकता है ये भी ग्रेजुएट ही हो, आए यहाँ क्षमता दिखाए अपनी। मोदी जी की डिग्री मांगते हैं, कह रहे मोदी जी पढ़े लिखे। मोदी जी अगर पढ़े लिखे नहीं होते, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पहली बात तो वो डिग्री पे बात नहीं करता, इससे ही पता चलता है कि वो कितने पढ़े लिखे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के संस्कार उसके चलने में समझ में आता है, उसके बात करने में समझ में आता है, उसके कार्यों में समझ में आता है। देश का प्रधानमंत्री जो किसान से लेकर कंटेंट क्रिएटर तक के साथ मीट कर रहा है, आप उसको कह रहे कि वो पढ़ा लिखा नहीं? अगर वो पढ़ा लिखा नहीं तो उसकी बुद्धि कहाँ से आ रही है उसके पास? ये तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जी की सोचने की क्षमता भी नहीं है जितना मोदी जी काम कर जाते हैं। काम कर जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, इधर आइए एक बार, इधर आइए थोड़ा, उधर ना धूप लग रही है, कैमरा दिक्कत करता है। आप अमेठी के बारे में लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों को कौन सा कॉलेज दे दिया भाजपा ने? कौन सा कॉलेज नहीं दे दिया, बन रहा है, 5 साल ही हुए स्मृति जी को, आप क्या चाहते हैं? 5 साल में आप क्या चाहते हैं? 75 साल लूट के गए हैं यहाँ पे। ये एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, अभी निकल के चले जाइएगा, बाईपास, इसकी मांग तब से थी जब से यहाँ पहले सांसद कांग्रेस के आए थे, तब से मांग है। क्या किसी की बाईपास बनवाने की दम नहीं हुई? स्मृति जी ने आते ही 5 साल में सबसे बड़ा काम किया है बाईपास, और वो कुछ ना करती। हम राम मंदिर और बाईपास के नाम पे उनको वोट देते, क्योंकि जो ट्रैफिक में हम लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए घंटों लगना पड़ता था, वो हम 5 मिनट 6 मिनट में रास्ता तय कर लेते। लेकिन कहते हैं अमेठी तो बपोती है गांधी परिवार की, अमेठी नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ दिए हैं, कहाँ जो छोड़ेंगे, हैं कहाँ जो छोड़ेंगे। छोड़ते तो फिर क्यों आते वायनाड से वापस? कहाँ आ गए, कहाँ आप दिखाइए कहाँ आ गए, कहीं है, कहीं लिखित में है आपके पास, कहीं है आपको वो राहुल गांधी यहाँ नजर आए अमेठी में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी? एक भी बार आए होते अमेठी में। ये कह रहे हैं जनता जो है वापस बुला रही है अमेठी की। कहाँ बुला रही है? आप सब जनता राहुल जी को कोई बुला रहा है वापस? राहुल जी को कोई बुला रहा है वापस? अमेठी के जो दलाल है वही उनको बुला रहे हैं, अमेठी उनको नहीं बुला रही है। यही दलाल जो है, जो 75 साल में 70 साल में लूटा, वही लोग उनको फिर बुला रहे हैं, और अब की बार इतना हारेंगे कि दोबारा वापस नहीं आएंगे लौट के। अमेठी को फिर से हराएंगे, अमेठी फिर से राहुल गांधी यहाँ हारेंगे, हारेंगे बहुत 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 बड़ी वोटों से हारेंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे इसके बाद। कह रहे 3 लाख पार है इस बार राहुल गांधी, सपना देख रहे सपना, दरअसल काम तो कोई है नहीं, सरकार तो हर जगह की शून्य हो गई है, सरकार तो हर जगह की शून्य है, काम कोई है नहीं, सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए अमेठी बताएगी ना। अब दलालों की, नामदारों की कहीं कोई पूछ नहीं है, अमेठी में या देश भर में सिर्फ कामदार ही आएंगे, कामदार आएंगे बिल्कुल। नहीं, मोदी जी को आप कामदार कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। अरे ये चुनाव चल रहा है, कहते हैं ईवीएम से जीत रहे हैं मोदी जी, तो ये क्यों नहीं जीत पाए? इनकी तो बपौती थी यहाँ पे, क्यों नहीं जीत पाए ईवीएम से? ईवीएम इनके साथ क्यों नहीं आया? मोदी जी ने तो शून्य से शुरू किया था ना, भाजपा सरकार शून्य से ऊपर आई है, आज ईवीएम हैक कर ले रहे हैं, तो जहाँ मोदी जी की गवर्नमेंट हार रही है वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ मोदी जी गेम कर रहे हैं, मोदी जी गवर्नमेंट हार रही है।
इधर आइए। सरकार नहीं बनी है भाजपा की, वहाँ ईवीएम को क्या हुआ, वहाँ राहुल गांधी जी हैक कर लिए। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है वो उतनी ही बात करता है। ईवीएम हैक हो सकता है, आप बताइए। तो है वो मोदी जी ने कर रखा है ईवीएम, कोई कुछ भी कह के चला जाएगा, मान लिया जाएगा, नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है डिग्री का, राहुल गांधी कह रहे हैं और कुछ लोग और भी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो आप जैसे युवाओं का जो है रोजगार मिलने लगेगा, आप जैसे युवाओं को जो है शिक्षा मिलने लगेगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा, 100 साल बहुत पीछे चला जाएगा। उनके जैसे प्रधानमंत्री हम जैसे युवा अगर बना देंगे तो हमारे जैसे युवाओं पर धिक्कार है, हम युवा कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि युवा वो होता है जिसमें ऊर्जा हो और देश को संभालने की क्षमता हो। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के अमेठी में सांसद ना बनाएं, विधायक ना बनाएं, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। 17 साल रहे हैं सांसद यहाँ पे, गलती से रह गए हमारे पूर्वज वही ना। आप किसी की भावना के साथ खेलोगे तो व्यक्ति क्या करेगा, आप आके कहोगे कि हम परिवार हैं और हमारे पास अच्छा कैंडिडेट नहीं था। आज स्मृति ईरानी जी हैं हमारे पास, आएंगे दोबारा आएंगी, बिल्कुल आएंगे। अच्छा ये और भी तो मुद्दे होंगे इन जनता के, भाई खाने पीने का, रोजगार का मुद्दा है, राशन है, महंगाई हो गई है, राशन बिल्कुल दिया जा रहा है, रोजगार कहाँ नहीं है, कौन सा बच्चा आके कह रहा है रोजगार नहीं है। उस आप युवा को बुलाइए, वो जो युवा विपक्ष की बातों में सुनकर खो जाता है कि रोजगार नहीं है, इतने रोजगार है इस समय, इतने रोजगार है, मैं खुद एक युवा हूँ और जब आप कहिए तब एक जॉब ले सकती हूँ। सबके पास इतने रोजगार है यहाँ कि गिनने बैठेंगे तो कम हो जाएंगे, जब खुद में क्षमता नहीं। आजकल का युवा क्या है, टिकटॉक बना रहा है, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, उसके बाद आएगा वीडियो बना के सरकार को गाली देगा कि रोजगार नहीं है। जब लड़की है, राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं लड़के हैं वो तो लड़कियों को छेड़ते हैं, वहाँ महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, छेड़ते थे। इतने पुरुषों के बीच में खड़ी हूँ, किसी में दम नहीं है कि हाथ लगा के दिखा दे, क्योंकि इन्हें भी पता है ये लगा नहीं सकते। दूसरा एक जो होता है ना कि व्यक्ति को सुधारना हो तो उसकी भावना बदल दो। आज देश जो राम में हो रहा है उससे ये भावना बदली है कि हर भाई यहाँ बहन समझता है एक लड़की को, तो ये भावना बदलने वाले मोदी, भावना बदलने वाली, बिल्कुल बदल गई है। योगी जी का राज है कह रहे हैं, फिर भी महिलाएं सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित है, कोई एक केस बताइए महिलाएं असुरक्षित है, महिलाएं पूर्ण, मैंने शुरुआत, तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं फिर इस बात को, क्यों उनकी बात को सीरियस ले रहे हैं, आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, सीरियस नहीं लेते कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। राहुल गांधी को सीरियस लेने का मतलब है कि आपके पास फिर आप भी वेले, प्रियंका गांधी का होता है यहाँ से टिकट, कौन है वो, सिर्फ उनकी नाक उनकी दादी जी से मिलती है तो यहाँ पे चुनाव लड़ने आ जाएंगे, तब भी कोई मतलब नहीं। आपका क्या नाम है? आरती पांडे। आरती पांडे जी, क्या लग रहा है, लड़की बता के चली गई है, स्मृति ईरानी ने यहाँ काम किया है 5 साल में, 15 साल का मुकाबला कर पाएंगी? जी जी कर पाएंगी। क्या है मुकाबला? जी बहुत कुछ किया है दीदी। क्या क्या किया है दीदी ने? हर चीज किया, कुछ ऐसा नहीं किया जो नहीं किया हमें ठीक लिए। जब से आई हैं कुछ न कुछ कर ही रही हैं। आज 3 महीने से दीदी हमारी यहाँ है, कोरोना काल में दीदी घर घर जाके सबसे मिली हैं, हम लोगों से भी मिली हैं, जनता से, हर एक जनता से मिली है। कोई ऐसा नहीं करता कह सकता है कि किसी को कोरोना का टीका नहीं लगाया, किसी को समय से दवा नहीं मिली है या किसी से मिली नहीं है, सबसे हमारी दीदी मिली है और दीदी ही जीतेंगी, उनको कोई अमेठी से भागा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता। हाँ हटा नहीं सकता। अरे हटाने की तैयारी चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम सब हैं, महिला मोर्चा जिंदाबाद।